हमारे गांव में जिस कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है ना साहब, उसे मार दिया जाता। आपके पास हजारों फौजी कुत्ते होंगे फौजदार साहब, पर एक बात याद रखना कि मेरा भी नाम लपटन है, लपटन। सन 1947 हिंदुस्तान, ये वो समय था जब दो सियासी बिल्लियां एक रोटी के टुकड़े पर झपट्टा मार रही थी और उनके बीच में बैठा गोरा बंदर उनको बराबर का हक देने की आड़ में उस रोटी को बंजर करता जा रहा था। पिछली बरसात से गीली धरती का गला सूखा भी नहीं था कि उसे लाल खून से तर कर दिया गया। एक बार की सोने की चिड़िया अब महज एक तवायफ बनकर रह गई थी। रोज हिंदुस्तान में एक बाजार लगता जहां कई सियासी भेड़िए इस चिड़िया के जिस्म की बोली लगाते। रोटी बटी, खून बहा और हिंदुस्तान अलग हो गया। पर ये कहानी उस मुजरे की नहीं है साहब, ये कहानी है रेगिस्तान के गांव में बसे एक छोटे से गांव की, मेहरसर। कहा जाता है कि मेहरसर की मिट्टी भी गांव की कहानियां बाहर नहीं सुनाती। मेहरसर के राजा थे रामवीर के श्रद्धालु राणा वीर सिंह जी। उनके जन्मदिन पर गांव में हर साल एक मेला लगता जिसमें सुनाई जाती थी राणा वीर सिंह जी की कहानी। सुनो सुनो सुनो, छात्रावास से 3, 11 और 13 प्रस्तुत करने जा रहे हैं अंत बहा। तीर तलवारों से भिड़ जावे कुटल लंगारों से, जो युद्ध से पहले मन जीते यानी आशीष वचन जीते, वो महावीर की गाथा है। कहते हैं वीर प्रताप जी ने उस परम वीर की गाथा है। तो भाई होगा आप सब अपनी अपनी वाणी को विश्राम दे, भंडा लोगा रोती लल्लो को थाम लेवे, नौजवाना सीना तान के और नव युक्तियां घूंघट काट के। तो हुजूरे आली अपनी खिदमत में पेश है नौटंकी कलकत्ते वाली। We'll be right back.
कभी दुखा जावो है, कारी कचरारी आंखों पर गंगा जमुना छा जावो है। कपटी राजा क्रूर सिंह छल से रानी को हरण कियो, उसकी विशाल सेना से टक्कर लेनो थोड़ो कठिन भयो। तो जब महाराज वीर प्रताप सिंह जी पहुंचे सबके मन की बात जानने वाले बाबा रामदेव वीर जी के पास, तो बाबा सब वचन आशीष वचन देकर बोले, बाहुबल से बढ़ के राजा इस जगत में बुद्धिबल है, और एक से अनेक हो जाए वो सबसे सबल है। तो बस फिर क्या था, राजा जी की प्रजा चल पड़ी उनके आह्वान पर। वजह से राजा वीर प्रताप सिंह जी को मिली जी, और हमने ये जाना कि प्रेम और भाईचारे से सारी दुनिया बन सकती है कुटुंब परिवार। तो ये बताओ कि मारो राम सिंह कटे हैं काकी, काकी
आखिर कोई तो उपाय बता दो कि बेवकूफ ने समझ आ जावे हमारे दिल की बात। अरे बावली, मने तो अभी तक समझ ना आवे तो हमें देख के है। तने तो पतो है लाडली दिवाली पे राखी टेढ़ो कर को चला दियो है, सीधो जाके तारी काकी के घाघरे में घुस गयो। तभी से तारी काकी ऊटनी से ठुमक ठुमक के चले है। पर सुंदर देखी तो है काकी। सुंदर? अरे कहिया सुंदर, भैंस माथे बिठा दो तो बांदरा सा लगे। अरे अक्ल तो देख इसकी। दादी मैं कब से बता रही हूँ कि राम सिंह पूजा को प्रसाद बांटने गयो है। चाटने गयो है? के चाटने गयो है? अरे चाटने नहीं दादी, बांटने गयो है प्रसाद। अरे श्राद्ध नहीं। हाँ श्राद्ध, राम सिंह को श्राद्ध। राम सिंह मर गयो। सारी राम गाथा में से हो समझ में आयो तने? ओ आती एक ही साइकिल है गाँव में। साइकिल राम सिंह की है, बने कोई दिक्कत तो नहीं तो तू घटा से आ गयो। क्या बोलिए माने लपटन? ओ लपटन लपटन हवाई जहाज। चुप, अभी भैया सुनने में तो। लपटन तने 50 बार मना कर दियो फिर भी। हाँ आता तो एकदम खराब है। और बनीराम भी पहले बड़ो विद्वान बन तो। नाटक बंद कर और जाके जानकी को हाथ बटा मेड़ो साफ करने में, और ये ऊंटने भी ले जा साथ में। जाओ भाई फिर भी अपना अपना घर आ जाओ। जाओ जाओ, ऐसी अकल है तेरी। राम सिंह, ओ राम सिंह। पेट से के इतने धीमो चाल रहे हैं। लपटन जल्दी आंखों में सू। आयो भाभी। लपटन साहब तू साइकिल लगो। राम राम काकी। राम राम। चाय पिला दो जल्दी से, और लपटन सा खटे है। ध्रुव जब तक पूरी देह को न ढक दे तब तक थोड़ी उठेगा थोड़ा लपटन सा। लपटनिया, ओ लपटनिया उठ जा। अभी न उठाओ अभी, अभी उठ गया तो डाकिए की राम कथा सुननी पड़ेगी। मैं हाँ मेरी राम कथा तो आ चुकी है लपटन सा, अब थाने इतनी ही दिक्कत है तो। अब सुबह सुबह थोड़ा मजाक कर लियो तो दिन अच्छे से जावे। वैसे मारो सामान लायो कि नहीं? लाया तो है लपटन सा, पर अब मन नहीं कर रही थारी चिल्लम गरम करने का। कैसे हो जगत प्रसाद? राम राम सरकार, सब बढ़िया। मंदिर को काम किया चाल रहे हो? राजा जी की हाँ ना हुई अब तक, बोले राजपाट बिना रहेगो। वैसे मामलों के है कोई खबर? बंटवारा की बात चल रही है, बाकी परसों दिल्ली गए हो तुम मिलकर आयो तो उसे। अरे के भलो सुनाम है उनको? अरे वही जो नंगे नंगे चरखे पे धोती बनावे है। गांधी जी? अरे हाँ, तुम्हें भूलो उसे कि भाई अफ्रीका से आके कम से कम 1000 कपड़ा बना लिया होगा। एक आधा पहन भी लिया करो सा। इतना ना हंसो जगत सा, फेफड़ा गड़े में आ जावेगा। ये सब बंटवारे की फालतू बात छोड़ो और लो चा। ठीक के भी कहो, मने तो पतो है जब तक बाबा जी की कृपा है पूरो गांव साथ में है। राजा जी को राज चलो जाए जो ही बढ़िया बात है, कम से कम पूरा देश को बराबर को दर्जो तो मिले। सरकार बंटवारों करवा के सही करी, अनपढ़ राजा की प्रजा को तो कभी उत्थान न हो सके जी। यो बात गलत है नथु, राजा जी को बड़ो एहसान है गांव पे, हर साल मेलो करवाने में मदद करे हैं, और आज तक मुसीबत में किसी ने मना क्यों है राजा सा ने? काका ये छोटा सा गांव में दुनिया की जो तस्वीर राजा सा दिखाए मैं देखा हूँ, मारे पसीना की लगान से अंग्रेजा की जूती चमकावे है राजा सा। पर बंटवारों की तो कोई उपाय थोड़े ही, बंटवारों को कोई कारण भी तो होना चाहिए। कारण है ना, कारण है ना, एकदम मजबूत कारण है। मैं सुनो है कि जी जी गांव में बुढ़ा लोग ज्यादा है, बी गांव ने डाल देंगे पंडित तरफ, और सारा जवान लोग आने ले लेंगे अपनी तरफ। अब मैं तो हाँ ही इतना गबरू जवान। ये घोल खबर लाई है या कौवा की चोंच? वही रोज की एक ही खबर है सर। अब बंटवारा तो हमारे खेत की फसल लुक जाती, या थारी गाय एक बाल्टी दूध कम देती, दो चिंता का कारण हो तो।
अभी अफवाह सुनी है कि पानी वाला प्रदेश सब एक तरफ और बिना पानी वाला प्रदेश दूसरी तरफ रखना की बात चल रही है। अब आप कहाँ से घर तक छोड़ के आओगे के? ये तो ये बात बताओ कि बिजली का झटका कद लाग रही है गांव को। नाच गाने के मामले में आप लोगों गांव थारो पिछवाड़े से भी खराब है। मारो पिछवाड़ो की कदे कदे कदे। देखो जी, मने तो पतो है जब तक तो पूरो गांव साथ में है बंटवारे को कोई फर्क ना पड़ेगा। तो सोने की बात बोल दी सो। काका, मामा की आज जो हालत है राजा जी ने ही कराई, और अगर राजा जी ने इतनी ही भले की समझ है गांव की तो खुद को राजपाट बेच के गांव की मदद क्यों ना करें मंदिर बनवाने में। तो दोस्त सोने की बात बोल दी सो। ये बात में गलती मामा की भी बराबर थी। ये तने भी पता है नथु, राजा जी को ठाट बाट सब ऊपरी है, अंदर सिर्फ खाक बाकी है खाक। पुराना जमाना की रही थी, सब अंग्रेज चूस ले गया। और तो तीन चौहाने की बात बोल दी सा, इससे अच्छी बात तो बोल सके। जगत सा, हर गधे के सींग ना दिखाई दिया करे। वाह वाह क्या बात, हां हां क्या बात बोली है सा, थारे मुंह से तो सोने की कितनी बरस गई सा। वाह 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 वाह। लालची पंडित भी कहता हम तो भैया थक गए, आज का अल्लाह भी मिलता बोलिया लगतन सा। अरे तू छोड़, तेरी अकल से 500 गज ऊपर की बात है। बंटवारा के बारे में वैसे मैं भी एक बात सुनी है। अरे भाई, पांच गड़ा मैं एक गड़ो तो पूरो पका है तेरा, और बंटवारा की बात मैं तेरे से सुनू। मैं सुनियो है कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग करने की बात चल रही सरकार, धर्म के नाम पर बंटवारा हो। धर्म के नाम पर दिमाग खराब है तेरा? इतना 100 साल से सब भाई एक साथ रहे हैं, इतनी बेवकूफ को नहीं सरकार? मूंगफली से अकल वालो आदमी भी यह बात सोच सके है। अरे भाई, जब बाबा रामदेव ने सब मिल बांट के खावे है तो काय को बंटवारो? देख, या दिमाग से पैदल बात को योड़ ने ना खेल दिए, जूता पड़ेगा। अब जाकर मिट्टी खराब कर। अब देखो, मैं थाने बताऊं कि गांधी जी अफ्रीका किया गया था। आपने गांव को वो ढोरो देखो है, उससे दाव नहीं हाथ पकड़ के बावड़ी तक चलते जाओ, बटा से 10 कदम पर मंदिर। मंदिर में से दिखेगा अफ्रीका? अरे ना ना, लंबी यात्रा है, बटे तिलक लगाकर बावड़ी पर आ जाओ। हाँ तो मंदिर से ना किसी में चलते जाओ, बटे से आ गयो जापान, बटे चौराहे से बाई गली में चलता जाओ आ गयो अमेरिका, बटे बड़ी सी हलवाई की दुकान है पीछे पता पूछो, और समुन्द्र के किनारे आ जाओ। अरे लंबो सफर है, समुद्र में नाव धो, पानी वाणी पी लो, और बटे से पाया हाथ पकड़ के सीधो 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 चलते जाओ और आगे अफ्रीका। कदे खुद के घर भी चालियो जा बनीराम, कट्टे सोयो तू? अरे मैं तो लपटन सा की खाट के नीचे जाके सो गयो। मारी पतंग कठे रखी है लपटन सा? आरी थारी पतंग, अब की बार उड़ानो सीख जाई, इसके बाद ना सिखाऊंगो। थे कटे चलया से अच्छो तो मैं पतंग उड़ा ली होगी। चल चल के दादी, नहीं तो पतंग से पहले तू उड़ जाएगी। तने के पतो लपटन, मैं तो जवानी में बिना धागा के भी पतंग उड़ा दिया करती थी। अरे जल्दी चल, थोड़ा बुढ़ापा आ गई। अरे बलिराम तो पर काम टीवी को नहीं देनी है, नीचे बता। काकी, ए काकी, टांग दिखने लागी, आजा नीचे। पीला पानी की थैली दिखवा लागी कि नहीं? हाँ दिखने लागी, आजा। शामा को टूड़ी का बिस्तर बना के लेटा, मैं आती हूँ।
साथ लो दवाई मंगवा दे। और बड़ी राम ने बोल कि भाई साहब ने बुलवा दे दवाई के साथ। बड़ी राम, ओ बड़ी राम। हाँ जी भाई साहब, आवाज लगाई दो। भाई साहब नत्थू का घर बुलावा है जानकी काकी। देख साले आवाज लगा के बोल के दो तीन लोग और मशीन लेकर आवे। बड़ी राम वेद साहब ने आवाज लगा। राम अवतार वेद साहब ने बुलाता। निर्मला चाची वेद साहब ने भेजो तो। अरे भूषण वेद साहब ने भेज दो। वेद साहब पूछ रहे कठियारू है। वेद साहब पूछ रहे कठियारू है। बड़ी राम वेद साहब पूछ रहे कठियारू है। नत्थू वेद साहब ने कठियारू है। अरे दिमाग से पैदा लेके मेरा घर भेज जल्दी। जाले दवाई बच्चा निकलने के बाद उनको मुंह साफ करी से जानकी टांगा हाथ में आई बच्चा की। ओड़ो से बाहर आयो है लपटन पानी की बाल्टी तो ला। अरे पूछ को ना पकड़ो राम सिंह, पूछी तो काहे को हथियार है। और क्यों लपटन सा थे तो थारे दुश्मन के घर आ गया ढोल बजाने। वो तो जानकी काकी बोली इली आ गयो, नहीं तो मैं क्यों आ तो ऐसे इंसान के घर दिखे मार दिखी। वैसे मेरे माता पिता का जान चला गया। वो तो बाप थोई को, वो नत्थू तो बाप से भी 10 कदम आगे है। बोल रहे हो सा, ऐसा कुछ होनी। अरे तन्ने के पतो यो गांव ने इकट्ठा करियो है राजा जी के खिलाफ, बंटवारा के लिए तैयार करियो है गांव ने। जानकी बच्चा किस कोण में? कोण थोड़ा मुश्किल है वेद साहब, मशीन मंगवाओ। राजू मशीन लाई तो। रामी लेकर आई तो मशीन। दादी आ दादी। पता कोड़ी कैसी कैसी आवाज वाले जनावर आ गए हो गांव में। अरे तन्ने को ऊपर चढ़ा दियो। ए चल नीचे उतार, सुनियो कोनी मारी बात, नीचे उतर, नहीं तो सर में छेद कर दूंगा जुत्ती मार मार के। अरे उतार दो नीचे गेहूं की कंक को, हवा शुरू हो गई तो ढोरों में ढूंढना पड़ेगा। राम सिंह बच्चे के आगे के दो पैरों में बांध के मशीन को पेट पर मान ले। टांगिया ने ऊपर से खींचो। बस एकदम बढ़िया, कांधा आ गया बाहर, अब थोड़ा सा नीचे झुक कर खींच। जोर से थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। जो भीतर अटक गए है। अरे रुक 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 भाई साहब, थोड़ा ढील दो फिर खींचो, थोड़ी सी ढील दो, थोड़ी और दो, थोड़ी और दो, अब जोर से खींचो। बछड़े के मुंह से खून हटाओ दवाई से, देखो सांस आ रही है कि नहीं। भाई मैंने तो लागियो है कि बछड़ो इतना सारा लोगों ने देख के डर के हो और बाहर आने से मना कर देगा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद जी सरका, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वेद काका ते तो नीचे आंगन में बैठ कर दवाई बनाता रहे हो, कदे छात पर देख लिया करो काकी की का साथ है। और बस राम छत पर लगो होकर लोड़ो बंद कर दे बेटा, और कुलदीप पकड़ना पे छात लगवाना भाई। राम सिंह जी, ओ राम सिंह जी, राम सिंह जी। अरे हो के जगत सा बताओ तुसी। अरे बड़ो कुछ हो गयो भाभी सा। राम सिंह जी, ओ राम सिंह जी। अरे बोलो की बात है। अरे राम सिंह जी तने सुना। अरे भाई मैं बड़ी राम हूँ। अरे हाँ। राम सिंह जी, ओ राम सिंह जी, राम सिंह जी, राम सिंह जी, ओ राम सिंह जी। क्यों सवेरा सवेरा चिल्ला रहे हो भाई? अरे बड़ी भयानक बात कहनी है थारे से, बंटवारो गांव के बीच में से हो रही है। बीच में से कैसे हो जाए वो? अरे रेडियो में सुन के आ जाओ, ते चाहो तो सुन लो। जानकी नत्थू को बुला दो। नत्थू, ओ नत्थू। अरे नत्थू नहा रही है। भाई साहब कि बड़ी राम भी नहा रही है, कि नत्थू भी नहा रही है, कि थे भी अभी भी नहा के आया हो, थारे गांव में सब एक ही वक्त में नहावे है के? बेवकूफा जैसी बात ना कर जगत, और ये गांव का लोग कठे हैं। वो सब तो बिजली के नहाने का। यो गांव को गांव एक लड़की के पीछे। बड़ी राम, ओ बड़ी राम रुक। अरे सब लोग बाहर आओ, बाहर आओ जल्दी से, हटे आओ, हटे आओ सब लोग। हाँ चाची थे भी? हाँ भाई मैं तो देखने गई थी कि मैं जवानी में किया दिखती। अरे के हालत हो गई निर्मला की, पहले तो बिजली जैसी थी। सब चुप, जगत सा खबर लाया है कि गांव के बीच बंटवारा होगो, पर मारे कने अभी भी 4 महीना है,
लकीर के एक तरफ अपनो पूरो गांव एक साथ कहिया रहे यो गुत्थी सुलझाने के लिए। अब थे सब समझ लिया हो तो माने जाने दो, बठे साबुन उतरने वाली होगी। देख बलिराम, हालत उसको भी आसान थोड़ी, सब एक आदमी कर लेवे, थने भी हाथ बटानो पड़ेगो। ये बार तो राजा जी भी राजा जी की तरफ से तो कोई मदद ना मिले तो ही अच्छा है। अरे पंचायती बाबू, थे थारी टांग मारी पतंग में ना आड़ा, गाय को दूध तो बछड़ो पी जावेगो, मामो के थारो दूध पिएगो। नथु, रेडियो लायो है? जी, लेकिन मने ना लागे कि ऐसे कुछ होगो, जगत सा कोई गलत बात सुन ली होगी। तो थारो के प्रस्ताव है प्रभु, हमारे हाथ में कुछ भी को नहीं लपटन सा, और मने तो लागे है कि इसे भलो हो जाएगो गांव को। तो थे ये बोल रहे हो कि बंटवारा अगर गलती से हो गयो तो अपनो गांव अलग अलग हो जाएगो? बात ने ना घुमा लपटन, अठे कोई ना चाहे कि गांव अलग हुए। आदमी के काले मन की हवेली में तो चमकादड़ भी ना देख सके भाभी, और कौन जाने डोर के दबाए बैठो है मन में। लपटन अंदर जा करके बनिया में अंदर लेके जा, मन ने घर में भेजने से कुछ कोनी हुए भाभी, ए हराम ने समझाओ कि औकात। लपटन देख चुप रहे, नहीं तो क्या करोगे बे, बंटवारा करवाओगे पूरा गांव जाने तारी अस्सी। तेरी शक्ल तेरे बाप से नहीं तेरी मामा से ज्यादा लागे, तेरी माँ किसका मैं को ऊपर पहुंच कर घूम रही थी हराबी, हराम के चले। भैया ये चुप, एक शब्द निकालो तो जबान खींच के घसीटेंगे तेरे पूरे राजस्थान में। लेकिन भाई साहब तू बात ना ही करे तो ही अच्छा है लपटन, आज रात से तेरो बंजारों को नाच बंद, और आज के बाद तू रोज खेत आवेगो अगर इस घर की रोटी खानी है तो। नमस्कार, ये आकाशवाणी का रेडियो है। अभी अभी प्राप्त समाचारों के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की लकीर कुछ गांव के मध्य से होकर जा रही है, जिन गांवों में दुलचासर, महलसर, डिसाड़िया और मासूखेड़ा प्रमुख गांव है। अभी भी 3-4 महीना बाकी है। 3-4 महीना में तो कुछ को नहीं होगा काकी, काम होने को तो 2 दिन में हो जावे है बड़ी। पहलो काम यो कि पतो लगाओ कठी से जावे की बंटवारा की लकीर, और फिर मैं बैठ के सोचांगा कि कह तरफ रहना है पूरे गाँव ने एक साथ, फिर जगत सा के साथ जाके पता करो की हालात के है, तो सब समझ जावेगा। क्यों वेदसा? मुझे तो पाए लागा है, आज अपना अपना काम में लगा हा, कल सुबह उठे फिर से मिलेंगा, जब तक राम सिंह जी शहर से सारी खबर मुझे करके आ जावेगा। बात सही बात, देख भाई अपनों तो एक दिन हो गया बिजली को नाच बाक, ये तक कहानी चढ़ सका। लेकिन राम सिंह जी ने किया संभाले ना भाभी जी, मैंने बता दी तो भाभी जी के खाने में नींद की गोली मिला देवा, राम सिंह जी अठे होएगा को नहीं, जब आवेगा जना गांव ने मना कर देवांगा। बोलो कैसी लागी? एकदम सही लागी साहब, बस यो बता दो कि नींद की दवा कहां मिले। अरे वो सब थे मेरा पास छोड़ दो, लपटन छा 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 लोगों ने जाने है। शाम हुई, अब देखो वो चमकता चांद नीले आसमान की बारात लेकर आता ही होगा, रात घुंघरू बांध थुमकती हुई आएगी आकाश के नीले पानी पर, उसकी थिरकन पे जितनी मस्ती उड़े सब पी लेना, क्या पता इस रात की सुबह हो ना हो। पियोगे नत्थू सा? तने पतो है लपटन मैं ना पिया करूं। अरे कब तक निप्पल वाली बाटली मुंह पे लगाओगे सा? हालो असली जी लपटन, या सब के लिए वक्त ना है मेरे पास, चल अब रास्ते से हट। ए वे लपटन सा, ओ हाथी सिर्फ शरीर से है, जिगर ही को रूही से है, इसे कठे पियो जावे को यो जाहिल का जाहिल है कते सालो गटर को पानी पीवाण में छोड़ राजा सी। हे मत पियो नत्थू सा, पर नाच में तो आओगा। पर आज को नाच तो वो मैं बात कर लिया हूँ, थे परेशानी ही ना लियो। तो नत्थू सा, दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे या सुक्का सुक्का वापिस जाओगे? चलो चलो चल आजा बड़ी ना माजा। नत्थू की साइकिल क्यों बिजड़ी, रूप श्रृंगार हुआ कोनी तेरा? आज तो मारो नत्थू सा भी आया तारो नाच देखने। मारो गुगरू पंडित के कान में कोड़ी बाजे लपटन सा, इनको बोलो जनेऊ कुंडी पे टांग के आवे।
अरे कठोर पंडित तो मंदिर में बैठे है, मारो नत्थू सा तो राजपूत है, राजपूत दो घुट मार लो सा, इके घुंगरू आप पे ही आवाज करने लगेंगे। क्यों सही बोले नी? हाँ सा एकदम सही बात बोली सा, एकदम सुनाई कुछ कोनी दिया, बस चौड़ बड़ा खातिर बोल रही हो। चलो भाई चलो, चालू करो चालू करो, चलो भाई चालू करो। दोस्त बनाएगा बोले मैं कि अपनी बिल में छुपके बैठ, पर तेरे जमींदारी दिखानी है साले, जमींदारी दिखानी है साले, जमींदार बनेगा बस, जमींदार साले कर काम पर रखो अपनी धरती जमा, हम बड़ी खुशी से खाएंगे गर्जन पर नजर उठाएंगे। हे दुर्योधन उल्टे हरी को बांधने चला, जो था साथ साधने चला, जब नाश मनुष्य पर जाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, तकत तकत दिक्कत डोले, भगवान को पिता होकर बोले, जंजीर बना कर साध मुझे, बाबा दुर्योधन बांध मुझे, बाबा दुर्योधन बांध मुझे, बाबा दुर्योधन बांध मुझे, लपटे का छोड़ मामा, ले छोड़ दिया। अब बन तू मेरा कुत्ता, ये ले रस्सी डाल गले में, बन मेरा कुत्ता, बन साले नहीं तो मारू तेरे मामा को। अब जरा भौंक के दिखा तो जाने असली कुत्ता या नकली। हमारे गांव में जी कुत्ते की पूंछ टेढ़ी हुई है ना, बिने मार दिए जाओ है बहुत साले बहुत।
अरे ऐसे भौंकने से तो बिल्ली भी ना डरे। जोर से बोल। काल से हवेली के सामने दरवाजों पे आ जाना। चढ़ दो इसको इसके घर। मार काका के घर का रास्ता भूल गया होगो। गाँव में अकेला मैं ही रास्ता नहीं भूला। अरे खुदा होकर भी तूफान से डर, मेरा क्या है, मैं तो ना खुदा हूँ, मिट्टी में मिल जाऊंगा। राम ये सरकार मत हनको होने जा रहे हो, अब तो मना करेगा तो किया था लगा मत काल भी कोनी गया हो, परिश्रम भी कोनी गया हो। अरे इसको क्यों रोक रहे हो, असली गलती तो। लेकिन भाभी साहब मैं तो बहुत झूठ बोल लियो लपटन, तने मेला से लाया हूं, वो मेरो खून ना है। देखो जी हो सके कि नींद की हो सके की बात छोड़ जान की, सच तो यो है कि मारी बेवकूफी पूरो गांव से रियो यो धोखो किए जान की धोखो, गांव में बनने वाला घरा में से एक एनने भी बर्बाद है। लेकिन भाई साहब मैं सब झूठा वरना तू भी झूठा है, जतने दवाई नहीं लगती। देखो काजल की जिभिया से झूठ है भाई साहब, बुलाओ शराब के पीले हालत खींच के सच निकलवाऊ अभी। काल से गांव में बजरी आ जाएगी, किस किस तरफ क्या क्या ने घर बनवा रहा है, देखो जोखो जानकी ने दे दीजो, और इसके रहने खाने की व्यवस्था घर से बाहर कर देना जानकी। काकी एक बात करनी थी थारे से। हां बोल। जी वो जी वो थारे खाने में नींद की दवाई मैं ही मिलाया हूँ, लपटन सा ना तो इनको अंदेशो भी ना है। लपटन सा थाने नतू सा बुलाया है। कटे वो आज हरामी ने मिट्टी में भी रेता दो। एक शब्द भी ना निकलना चाहिए तेरा मुंह से। काकी लपटन सा के दिमाग में तो यह बात भी ना सके, वो तो मैं ही। बात अब इतनी छोटी ना है बनी, बात पूरे गांव की होगी है, उनको दिल तो इतना बड़ा है कि वे लपटन ने माफ भी कर देवेंगे, पर काल ने गांव वालों को क्यों तो के करेंगे सोचो है कभी। ये बात की चिंता ना करो काकी, पूरे गांव मिलकर कोई ना कोई हल तो निकाल ही लेवेगा। इतना बड़ो देश अलग हो रही है बड़ी राम, हजारों लोग मर जावेगा, आपने गांव में कम से कम असर हो मुद्दो यो है, और आंधियों में दियो लेके सबने इकट्ठो करने कोई ना जाया करे, इससे पहले तैयारी करनी पड़े है। अगली बार गलती को नहीं होगी, बस अगली बार। माफ करिया बनीराम, आजा ऊपर बैठ। लाला मारी एक बात ने काट बांध ले, तने कभी बाज देखियो है? हाँ। इंसान की किस्मत उसी भूखा बाज जैसी होवे है, कटे जा रही उसका पंखा से दिखाई दे जावे, पर एक ही आंख कोई ने ना दिखे, कदे भी कठे भी छपट्टो मार सके है। राजा सा का आदमी आया होगा नील हिरण का वास्ते, मैं देख का हूं। बाबी राम सिंह क्यों हो, राम सिंह जगता
तेरे गम में तू अकेला सो रहा। सिंह दादी, तीन महीनों से एक ही सवाल पूछ रही हो, कहा ना यहाँ कोई राम सिंह नहीं रहता। अब इसमें फेंक के दिखाओ तो माने। ये तो चुटकी बजा के हो जाएगा। ये लो। मामा, अच्छी खबर सुनी। आपनी विनती सरकार तक पहुँच गई है और खबर आई है कि वे लोग आपकी अर्जी पर गौर कर दिया है। झूठी दिलासा ना दे रामी, अफवाह डायन जैसी हुए दिखने में खूबसूरत पर ध्यान से देखो तो करो झूठ। कोई अफवाह ना है ना तुसा रामी। आप कोई जवाब नहीं देंगी, बात करना मना है यहाँ। फिर भी तो दिन भर बात करता रहो। हाँ हाँ, तो हमारा बात करना तो जरूरी है, हम तो खुफिया बातें करते हैं। अब इसमें फेंक के दिखाओ तो माने। देख लियो, थोड़ा दिन की बात है, फिर सरकार पूरे गांव को एक साथ कर देगी। उसके बाद थे भी अठे हो और मैं भी, अब या तो थे माँ से दुश्मनी कर लियो या दोस्ती। मन जाने तो बटे, मेरी बेटी को ससुराल है बटे। अरे बटे हमारी दुकान है। अरे पानी क्यों नहीं निकाल दे रहा थे बच्चा। अरे ये क्या, अरे ये क्या कर रहा है, एक से बंटवारा कर दिया क्या? आप सब लोग अपने अपने घरों में जाइए, चलिए जाइए। क्या है? देख भाई, अभी अगर इनको रोका तो रेत रेत के मारे के पूरे गाँव में। फौज के नाम पे पूरे राजस्थान में हजार लोग हैं और असले के नाम पे जो बम है वो हमें चलाने भी नहीं आते, और बंदूक के नाम पे 303 जिसमें जंग लगी है। वैसे भी कौन सी रेड क्लिफ लाइन पक्की है, हो सकता है कल को पूरा गांव इधर से उधर आ जाए। बात तो सही है तुम्हारी, गांव को साथ में रहने से मतलब है। वैसे भी बंटवारा तो हुआ है पंजाब में, हमारे यहाँ तो ना कोई आता है ना कोई जाता है। फिर खाने में केले होगा जी। वो जी, अब सूखी रोटी से अच्छा तो सब कुछ ही होता है, पर आपके हाथ से मिलेगा तो घी तो अपने आप ही लग जाएगा। थारे से एक विनती करनी है साहब जी। एक बार कह के तो देखिए। वो क्या है ना, म्हारी गाय पड़ली तरफ रह गई है, तो आप अगर उन फांजी साहब को कह के थोड़ा घी मंगा देते तो। सिपाही क्या, वहां से जरा घी लाके देना। तो और कुछ? और बाजरी को आटो भी। हाँ, और बाजरी को आटो भी, और थोड़ी सी सांगरी मिल जाती। और थोड़ी सी सांगरी भी। अरे परचून की दुकान समझ गए, नहीं ला रहा मैं, नहीं ला रहा, जाओ।
यो के चल रही है सुबेदार साहब? अरे ये सब तो चलता रहता है, अब पड़ोसी जी तो है। पड़ोसी? पड़ोसी की दीवार में कांटा कोनी होवे। पर ये भी तो हो सकता है कि कल को पूरा गांव एक तरफ हो जाए। अपनी मौज मस्ती के चक्कर में सच को ना छुपाओ साहब। एक गांव है, हमारा गांव का लोग कोई शतरंज का मोहरा ना, किधर थारी सहूलियत से जच्चा है जिन्हें चाहे कथे भी रखियो। यो सियासती दीवारें कच्ची कोणी होवे, जरा सी हवा चले और हिलने लग जाओ। तने पता है अट्ठे से 100 कोस दूर गांव में 90 औरता कुआं में कूद के मर गई, अपनी इज्जत बचान खाती। गाड़ियां अट्ठे से भर भर के पटे जाती और पटे पहुंचता पहुंचता बस तो बस लाशा का ढेर। मारा सपने ना दिखाओ साहब, ढेड़ोगा का हल्का सपना बहुत भारी पड़े हैं मेरे घर पे। 4 महीना हो गया अंधेरे में जाते जाते, 4 महीना। जाओ भाई जाओ, सब लोग अपने अपने घरे जाओ, ये सब सोच के कोई फायदा कोड़ी। जाओ अपने अपने घरे जाओ, जाओ जाओ। क्या है भाई, 90 औरतें अगर गिर के मरी हैं तो कहानी किसने सुनाई? नहीं नहीं, वो तो साफ है, 90 और तो जितने बड़ा कुआ थोड़ी होगा, 2-3 बच गई होंगी, बस उन्हीं की कहानी है। अरे आप सब फिर जाके चलिए वापस, कहां से कहां कभी भी आ जाए, चलिए मैं बॉम्ब से उड़ा दूंगा, मैं सच में उड़ा दूंगा। छोटा सा बॉम्ब? अरे ये तो केवल पिन है, बम कहां है? अरे बम चालू कर दिया। अरे अम्मी का घर? अरे नहीं फेंक देते। अरे नहीं, मेरी अम्मी का घर है। अरे उधर फेंक देते। अरे मेरा अब्बा का घर है, वहां चालान हो गया था। अरे तू इधर अब बिजली में देखने में कोई दिक्कत ना होगी। अरे ढोल, अब यार सुबह सुबह तक ऑफिसर साहब की गाड़ी आ जाएगी आवाज सुनकर, सब आप यहाँ निकल जाओ। एक और फोड़ने बहुत मजा आया। चल साले उधर जा, तो पिछवाड़े में टंडो फोड़ूंगा तेरे, चल जा। अब ऑफिसर साहब की राह तकने में सोने को आटा मिलेगा। राम राम सर। राम राम, कहां से हो? कलकत्ता से सर। क्या नाम? बॉर्डर में खड़े होने वालों के नाम नहीं होते सर। बॉर्डर पे खड़े होने वाले बेवकूफ भी नहीं होते। निर्मला बंदोपाध्याय। वाह, बड़ा मर्दाना नाम है। माँ लड़का चाहती थी और बाप लड़की सर, इसीलिए हमारी भैंस का नाम घनश्याम है। ये कौन है? हम वो पतंगे हैं साहब, जिनके मरने पर कोई मोमबत्ती भी नहीं जलाता। इसको इसके घर छोड़ देना, पर पहले ये बताओ कल रात धमाके की आवाज यहीं से आई थी ना? आप किस तरफ के कीड़े हैं साहब? आप अपने घर जाके सो जाइए। सो जाऊं और फिर उठ के क्या करूं साहब? इस बे अल्लाह रेगिस्तान में किसकी दुआ बनकर सूरज की तरफ देखूं मैं? वैसे ये बंटवारा तूने कराया होगा ना फौजदार, हैं? तूने करवाया होगा ना? तेरे पास हजारों फौजी कुत्ते होंगे फौजदार, पर एक बात याद रखना कि मेरा भी नाम लपटन है, लपटन। गिरा गिरा के मारेंगे तेरे को, झूले से गिरा गिरा के मारेंगे, गिरा 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 के मारेंगे तेरे को ताले, गिरा गिरा के मारेंगे तेरे को, गिरा गिरा के मारेंगे ताले। टीम के खिलाड़ी आए लपटन, इनके वापिस आ जाने से कार्य अक्षय ना मिट जावे। आंसुओं से अपना चेहरा छुपाने वाले किताबा का पन्ना ना पलटे भावे। हर तेरो बचपन याद है, थारे पास एक खिलौनो वालों पंखो थो, बिने लेकर तू दिन भर दौड़तो फिरतो और मेरे पास आके कहतो, भाभी देख अब मैं रेगिस्तान में किया तूफान लाऊं। तूफान लाया ना भाभी, ऐसा तूफान लायो कि आंखों से गिरगिरी जा ही नहीं रही। आंसुओं से आंखों की गिरगिरी तो ना जाए लपटन, मैं तो बस इतना बोलू हूँ कि अभी सिर्फ धागो टूट्यो है, मोतियों ने नए धागे में फिर से पिरो दियो तो
सब ठीक हो जाएगा। निर्मल देव जी जरा डूडी उठाने में हमारी मदद करो। याचना नहीं अवरण होगा जीवन जय या कि मरण होगा, याचना नहीं अवरण होगा जीवन जय या कि मरण होगा। यो पसंद आते नहीं माने भैया अपने हाथ छोड़ देखता है गोली चलावा। टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर भानी प्रकर पर शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं वैसा होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी मामा नहीं वैसा होगा। मामा तेरे बोलना चुप रहे लपटा छोड़ मामा चुप रहे लपटा छोड़ मामा साले तेरी माँ को कुतिया की तरह जब गोली मेरे चलाए पे छोड़ दे साले चला गोली भैया तू आना चला गोली साले उसे तेरे कुत्ते बनाना आज तेरे कुत्ते बनाना। उठा के अंदर रख दो। लपटन हवेली के छत पर कपड़ा सूख रहे हो, उतार के ले आओ। बलिराम गालियां
जी घर के अंदर आ जाओ, आंधी में दिखोगे भी नहीं कि ई तरफ उड़ जाएगी बी तरफ। लेकिन गश छोड़कर थोड़े ही ना आएंगे। अरे ये हमारे गांव की आंधी में सारी बंटवारों की छोटी सी लकीर ना दिखे। आ जाओ घर के अंदर आ जाओ जल्दी। हाँ हाँ सब लोग चलो 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 अपना काम करो। हाँ काम करो। हाँ सब लोग काम करो घर जाओ। हाँ हाँ सब काम हो गया। अरे मैं तो नहीं कहता था काकी बड़ी ने नीचे तो उतारो गुंजारे को बाहर बड़ी खुद आ जा। अरे कटकू तू डर लग रहे काकी। जगने जगने अबे अकल के दुश्मन हनुमान चालीसा बोल। जय हनुमान दिव्य लोग मना को दिया वाले अपन सा। जगने जगने आंटी कब हो रही है थोड़ी देर रुक जा बड़ी पकड़ के बैग बड़ी। एक बार उतार दो काकी आगे से रॉकेट को नहीं चलाऊंगा। बिजली में नाता भी को नहीं देखूंगा। खुद का घर चला जाऊंगा। रामी तेरा कपड़ा भी को नहीं चुराऊंगा। वेद सा तारी गाय ना मांग भी को नहीं खिलाऊंगा। एक बार उतार दे काकी। काकी ओ काकी एक बार उतार दे काकी। सारे को तो ना मैं ओखड़ी में डाल डाल के मारूंगी। लपटे ने नीचे उतार उतार ही ले नीचे अभी उतार। तो फंस गयो बड़ी राम तू। अरे मैंने उतर दे कुंडी। मैं को नहीं उतर लो पूरे गांव में तू ही तो गिर सके। सही बात है ना। अरे रुको उतारो उतारो नीचे। अरे नहीं सिपाही जी सर ये क्या चल रहा है कौन है लोग सरहद कोई मजाक नहीं। आप लोग अपना काम कीजिए इस तरफ के मामलों में दखल ना दें। चलिए हटिए वहां से वरना गोली मार दी जाएगी। साहब तुम्हें क्या लगता है मजाक कर रहा है यार। लेकिन साहब मेरी बात तो सुनो। जो हजारों लोग मारे गए वो फालतू था। जो पंजाब में खेतों का रंग लाल हो गया वो मजाक था। हमारे लोगों का खून बहाने वालों से तुम पनाह दे रहे हो। दुश्मन है तुम्हारे दुश्मन कहिया हुए साहब। 500 सालों से एक ही खेता का खाना खावे कटे से हो। लखनऊ बहुत बड़े शहर से आप साहब हमारी कहानी आप नहीं समझ पाएंगे। आपके घर की कुछ ईंटें उस तरफ गिरी होती तो आप समझ पाते। अपनी खुशनसीबी पर मत इतराओ साहब। खुशनसीबी किस बात की हिंदुस्तान का बराबर बंटवारा हुआ। कतई बराबर नहीं हुआ। दो सियासी बिल्लियों की लड़ाई में हमारी रोटी छिन गई और आप कहते बराबर बंटवारा हुआ। हमारे साथ धोखा हुआ धोखा। आपका देश तो आजाद हुआ होगा साहब। हमारा गाँव गुलाम हो गया गुलाम। हम हार गए क्योंकि 500 साल बाद भी हम आपस में लड़ते रह गए। लेकिन अब ये सब खत्म। हमें अपनी जमीन चाहिए और अगर इसके लिए हमें खून बहाना पड़े तो बहा देंगे। बागी बनना चाहते हो बन जाओ। इतनी बुरी मौत मरोगे कि किस्सा याद रखा जाएगा। अब और इम्तिहान खोली दे पाऊंगा साहब। गांव गवा दियो रिश्तों गवा दियो और तो और अपना कलेजा भी चीर के रख दियो। एक मदद कर दियो साहब। मैं जो गांव में मेला कराना चाहूं वो की अर्जी सरकार तक पहुंचा दियो साहब। बस एक एहसान और कर दियो साहब। आखिरी एहसान कर दियो साहब। देखिए ये काम हम कर देंगे पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं ये कह नहीं सकते। लेकिन जो भी हो हमारी अगली गश्त तक यहाँ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको अर्जी का जवाब मिलते ही इत्तला कर दिया जाएगा। जवाब ना आए तो हमारी कहानी दुनिया को सुनाइएगा साहब। आदि ही सही सुन के कुछ देर का मनोरंजन हो जाएगा आपके आजाद हिंदुस्तानियों का। काकी अब कुछ भी करके नथुसा और लपटनसा के बीच में सुलह भी करवा दियो। धागो टूटी होकर एक बार तो बिना गांठ लगे कोई ना जुड़ सके। आके मन के लगी गांठ भी समय के साथ खत्म हो जाएगी खत्म हो जाएगी। अंधबारा भूल दे
के किस दफ्तर में दफन है इसका पता तो शायद खुदा को भी ना हो। आज भी महसर गांव सरहद के दोनों तरफ बटा हुआ है, मगर वहां के लोग आज भी लकीर से बेपरवाह एक परिवार की तरह जिंदगी जी रहे हैं। सरहद तो मानो उनके लिए जमीन पर खींची।